दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो है बाइक का शोरूम ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, बाइक डीलरशिप का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें दोस्तों लॉस का कोई चांस ही नहीं है। इसके करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में मैंने दोस्तों बताया था कि किस तरह से आप जो है हीरो की एजेंसी ले सकते हैं या उनका डीलरशिप ले सकते हैं। तो उसमें दोस्तों मेरे ढेर सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था कि सर कोई ऐसा प्रोसेस बताएं कि मैं कम इन्वेस्टमेंट में अपना एक छोटा सा सब डीलरशिप ले सकूँ। तो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि आप किसी भी कंपनी का सब डीलरशिप कैसे ले सकते हैं जिसमें आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो दोस्तों, इसमें आपको बहुत ही छोटे अमाउंट पे करना है और बहुत ही इनिशियल स्टेज पे आपको चीज़ों को समझना है। दोस्तों, इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई बात समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से देखिएगा, क्योंकि मैं मोस्टली चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी का सब डीलरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, वो चाहे हीरो की हो, बजाज की हो या TVS की हो, या फिर दोस्तों आपका होंडा का हो, ठीक है, या फिर आपका जो है कोई भी ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी डील कर रही है उनका आप सपोज दैट फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं या फिर सब डीलरशिप लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, अगर आपको डीलरशिप लेना है, कम इन्वेस्टमेंट में लेना है, तब तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको डीलरशिप नहीं लेना है या फिर आप चाहते हैं कि बड़े इन्वेस्टमेंट से करें, तो उसके लिए मेरा दूसरा वीडियो है। तो अगर दोस्तों आपको कम इन्वेस्टमेंट में अपना डीलरशिप सब डीलरशिप लेना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। दोस्तों, सबसे पहला जो वर्क है वो आपको होमवर्क करना पड़ेगा, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब मैं होमवर्क में आपको बताता हूँ दोस्तों क्या क्या करना पड़ेगा। इसमें आपको 2-3 स्टेप करने हैं, तो मैं पहला स्टेप बताता हूँ दोस्तों। इसमें फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको दोस्तों डिसाइड करना है कि आपको किस कंपनी का सब डीलरशिप चाहिए। ये दोस्तों आप अपने मार्केट और अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग या वहाँ पे कैसी सेल है उसके अकॉर्डिंग ये आपको डिसाइड करना है। क्या है दोस्तों कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना किस कंपनी का आपको डीलरशिप लेना है। ठीक है, पहला काम आपने ये कर लिया। दूसरा काम ये करना है दोस्तों, जो होमवर्क में करना है, जो भी कंपनी आपने डिसाइड कर लिया, सपोज दैट आपने बजाज का डिसाइड कर लिया, तो दोस्तों उस कंपनी में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली जो बाइक्स हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक तो पहले कंपनी डिसाइड कर ली है कि किस कंपनी की आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। दूसरा क्या करना है कि उस कंपनी की सबसे ज़्यादा सेल होने वाली 5 बाइक्स जो हैं, ठीक है, सिर्फ 5 या 6 बाइक्स के जो मॉडल होते हैं वो अच्छे सेल होते हैं, तो उनकी एक लिस्ट बना लेनी है दोस्तों। ठीक है, तीसरा काम क्या करना है कि उस मॉडल में सबसे ज़्यादा सेल होने वाले कलर कौन से हैं, ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको सर्वे करना है, ये आपको दोस्तों होमवर्क करना है, आपको जो है ये सर्च करना है, रिसर्च करना है, एनालिसिस करना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले होमवर्क कर लेना है। ठीक है, ये करने के बाद दोस्तों फिर आपका स्टार्ट होता है फील्ड वर्क। ठीक है, फील्ड वर्क कर लेना आपको। ठीक है, ये जब आपने लिस्ट बना लिया कि किस कंपनी का करना है और उनके कौन कौन से मॉडल हैं और उनके कौन कौन से कलर हैं, पहले ये आपने डिसाइड कर लिया। अब दूसरे नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों क्या करना है, आपको फील्ड वर्क करना है। फील्ड वर्क में क्या करना है, ऐसा लोग सबसे पहले जब आपने लोकेशन चूज कर लिया, लोकेशन चूज करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद, वहाँ की जो भी कंपनी हो जिसको आपने सेलेक्ट किया है उसके डीलर के पास जाएं, डीलर से बातचीत करें कि मैं सब डीलरशिप लेना चाहता हूँ और मुझे ये 5 मॉडल्स की बाइक चाहिए, 2 कलर में, 10 मॉडल होंगे, क्या रेट पड़ेगा, क्या मुझे इसमें प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज़ें आप उनसे डिस्कस कर लीजिए।
साथ ही दोस्तों जो भी एरिया मैनेजर हो आप एरिया मैनेजर का नंबर ले लें, कंपनी की जो भी पॉलिसीज हो आप एरिया मैनेजर से डिस्कस कर लें और उनके अकॉर्डिंग जो भी वो बताएं आप पेपर रेडी करवा लें। ये इतना काम कर लेना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है दोस्तों, जब ये फाइनल हो गया, बातचीत हो गई, अब वो आपको सामान दे देंगे और डीलरशिप के लिए आपने एरिया मैनेजर से बात कर लिया, अब दोस्तों लेना है आपको शॉप। ठीक है, जो लोकेशन आपने सेलेक्ट किया था जिस मार्केट में, वहां पे एक शॉप लेनी है। बहुत बड़ी नहीं लेनी है, 15x15 की मिल जाए या 15x20 की मिल जाए, ये आप एक शॉप ले लीजिए। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखें थोड़ा सा दोस्तों कि मार्केट मेन मार्केट में ना हो, थोड़ा सा ऐसी जगह पे हो कि फ्रंट में आपकी जगह हो, कि जो बाइक्स हैं वो एज अ मॉडल की तरह वो आप उसको आगे लगा सके। ठीक है, तो 15x15 या 15x20 की एक शॉप लेनी है और जिसका किराया बहुत ज़्यादा ना हो। एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है, उसका किराया बहुत ज़्यादा ना हो। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है दोस्तों, आपने रेंट पे ले लिया, आपने अपने लैंडलॉर्ड से जो भी उनके टर्म एंड कंडीशंस थे उनको आप फॉलो करके रेंट पे ले लिया। दूसरा क्या करना है दोस्तों, अब आती है बात उस दुकान को सजाने की, उस दुकान को एक इंटीरियर डिजाइनिंग करने की, उसको उसका जो इंटीरियर है वो अच्छा दिखे, एक अच्छा लुक आए। तो उसके लिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है कि उस दुकान पे आपको सफ़ेदी करवा लेनी है वाइट कलर से प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इस पर कुछ नहीं करना है, बस आपको एक बढ़िया सा पेंट करवा लेना वाइट कलर का। साथ ही दोस्तों एक आपको बॉस चेयर ले लेना है और एक टेबल ले लेना है जहाँ पे आपका कंप्यूटर वगैरह सेट हो सके, और साथ ही दोस्तों 3 या 4 जो है क्लाइंट चेयर आपको ले लेनी है, जो उनको बैठने के लिए, जो भी आपके क्लाइंट होंगे उनके बैठने के लिए काम आएगा। ये सारी चीज़ें होंगी दोस्तों। अब क्या करना है कि अब इसमें आपको करना है एक साइन बोर्ड बनवाना है। ठीक है, बैनर की तरह अच्छे प्रॉपर पेंटिंग में जो कंपनी का अपना लोगो होता हो उसको लगा के एक बढ़िया सा बैनर बनवाइए और उस बैनर को आप आगे लगाइए। ठीक है, इस प्रोसेस में आपके 15 से 20 दिन जा सकते हैं, बट चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करवाएं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद दोस्तों आपको जो कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, अब लेना है आपको वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से। एक तो दोस्तों आपको ले लेना है GST। ठीक है, एक GST ले लेना है और साथ ही दोस्तों एक आपको ट्रेड लाइसेंस, जो भी आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगा या फिर जो भी आपका वहाँ पे होगा वहाँ से आपको एक ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, एक आपको ट्रेड लाइसेंस ले लेना है व्यापार करने के लिए। अब इतना काम हो गया दोस्तों, अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप, जब आपको बाइक ले आना है। ठीक, अब क्या करना, सारी चीज़ें आपकी सेटअप हो गई, पेपर भी रेडी हो गए, और अब क्या करना है, अब जाके डीलर के यहाँ से आपको 10 बाइक ले आना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 बाइक ले आना है, और लाके बढ़िया सा डेकोरेट करके और उसकी ओपनिंग का डेट सेलेक्ट कर लेना है। ओपनिंग पे टाइम पे दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, अब आगे जो आने वाला टाइम है वो शादियों का टाइम है और साथ ही अभी दीपावली का भी टाइम है। इस तरह से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी तो दीपावली का सीज़न तो नहीं कवर कर पाएंगे आप, बट आगे जो है जो शादी स्टार्ट होंगी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बुकिंग आ सकती हैं। तो ये आपके लिए एक बेस्ट टाइम है कि अगर आप करना चाहते हो तो ये 1 महीने में मैक्सिमम आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, आपने दुकान पे अपने बाइक्स को रख लिया और ओपनिंग कर देना है। ठीक है, ओपनिंग में दोस्तों एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि वहाँ के आसपास के जितने लोग भी सम्मानित हों उनको बुलाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने दुकान पर ले आना है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपका ओपनिंग हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, बाइक के साथ जो भी एसेसरीज मिलती हैं उसे भी ले आना है। ठीक है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो बाइक के एसेसरीज में होता है, इससे ज़्यादा किसी में प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं बाइक फ्रेंचाइजी लेके, बाइक का सब डीलरशिप लेके। और इसमें दोस्तों हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट की, इसमें जो मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों वो कुल मिला के दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपका GST में जो वो इन्वेस्टमेंट हो 1000 से 2000 रुपये, ट्रेड लाइसेंस में 1000 से 2000 रुपये। ठीक है, और साथ ही दोस्तों आपने जो रेंट लिया है वो मैक्सिमम 10000 रुपये, 10000 का रेंट होगा।
और साथ ही दोस्तों जो आपने उस शॉप को डेवलप किया है, इंटीरियर उसका सेटअप किया है, चेयर टेबल बॉस चेयर क्लाइंट चेयर ये सारी चीजें करके कुल मिला के दोस्तों ये आपका 12 से 15 हज़ार रुपये में, 15 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये के आसपास में ये टोटल चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो मतलब अगर देखा जाए तो रेंट, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स, आपके फर्नीचर के जो आइटम्स हैं, ये टोटल दोस्तों आपका मैक्सिमम 40 से 50 हज़ार रुपये में हो जाएगा। अब दोस्तों जो भी आप बाइक ले आते हैं, ठीक है, बाइक ले आते हैं, आज की डेट में जो बाइक का सेलिंग प्राइस है वो है दोस्तों अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास। ठीक है, आपको ज़्यादा महंगी बाइक्स नहीं लाना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपने मार्केट के अकॉर्डिंग ही बाइक्स को लाना है। ऐसा ना हो कि आपने 4 लाख रुपए की बाइक ही खरीद ली, ठीक है, एक बाइक, तो इस तरह से नहीं, आपको ऑन एवरेज बाइक लाना है जो आपके एरिया में सेल हो जाए उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है। तो दोस्तों बाइक की जो रेट होती है ना वो ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, लेकिन उस पर जो GST लगता है, उसका जो आपका RTO का लगता है, इंश्योरेंस का लगता है, ये सारी चीज़ें करके बाइक महंगी हो जाती है। तो जो डीलर प्राइस होगा उस प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। उसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों वो बाइक जो भी होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कुछ बाइक्स जो हैं थोड़ी महंगी मिल सकती हैं, कुछ बाइक थोड़ी सस्ती मिल सकती है, बट ये मान के चलिए कि 70 से 80 हज़ार रुपये के बीच में आपको एक बाइक मिल जाएगी। ठीक है, ये बाइक आपको मिल जाएगी, आप 10 बाइक ले आइए, ज़्यादा नहीं, 10 बाइक ले आइए, अलग अलग मॉडल, 5 मॉडल ले आइए, और उन 5 मॉडल के दो या दो कलर ले आइए, बस मैक्सिमम 2 कलर। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब आपका जो है शॉप स्टार्ट हो जाएगा, सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब दोस्तों सपोज दैट कि आपका आपके पास एक मॉडल की कोई सेल हो गई, तो आपको क्या करना है कि जब नेक्स्ट कोई क्लाइंट आए, कोई कस्टमर आए, वो आपसे इंक्वायरी करे उसके बारे में, आप उनको सारी चीज़ें बताइए और उनको बोलिए कि सर आप बुकिंग अमाउंट पे करें, शाम तक या नेक्स्ट डे आपको ये चीज़ मिल जाएगी, और वो बाइक आपको वहाँ से उठा लाना है जो आपके डीलर हैं। ठीक है, और इस तरह से दोस्तों आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आपका कुल मिला के 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और इसमें प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है। इसमें प्रॉफिट जो दोस्तों होता है वो 5 से 7% का मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो अगर दोस्तों अगर आप सब डीलरशिप लेते हैं तो उसमें हो सकता है आपको 3 से 4% का प्रॉफिट मार्जिन मिले। अब दोस्तों यहाँ पे तो 3 से 4% आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। अब इसमें एक चीज़ और होता है, जो एसेसरीज होते हैं बाइक के, एसेसरीज होते हैं अप्रॉक्स आपके 1 हज़ार रुपये एक बाइक पे, 1 से 1.5 हज़ार रुपये एक बाइक पे आपको ये प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ जो एसेसरीज जाएगा दोस्तों वो करीब 2 हज़ार रुपये का होगा, और उस 2 हज़ार के एसेसरीज मतलब करीब करीब आपके 1.5 से 2 हज़ार रुपये आपके एसेसरीज में बच जाएंगे। तो टोटल देखा जाए तो दोस्तों एक बाइक के सेल पे आपको मिनिमम 2 से 2.5 हज़ार रुपये बच जाते हैं। तो अगर दोस्तों आप महीने के 20 बाइक भी सेल करते हैं तब भी आपके 50 हज़ार रुपये के प्रॉफिट इसमें होगा, और जो एक्सपेंसेस हैं उसको काटने के बाद अगर देखा जाए तो आपको नहीं कुछ तो दोस्तों आराम से 35 से 40 हज़ार रुपये आराम से हर महीने बच जाएंगे। वो तब है दोस्तों जब आपका सेल अप्रोक्स एक बाइक होगा या दो, महीने में अगर 20 बाइक हुआ तो मिनिमम की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। अब इसी के साथ दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, उनकी सर्विस का भी काम कर सकते हैं, सर्विस में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। सर्विस में कुछ भी नहीं करना है, जितनी बाइकें आपके यहाँ से सेल होंगी उनका सर्विसिंग भी आप अपने यहाँ कराइए, उनके पेपर पे जो भी हो उसको साइन कराएं, ठीक है, और उसका पेपर बना के आप अपने डीलर के यहाँ सबमिट करें, वहाँ से भी पैसा मिलेगा आपको। और साथ में दोस्तों जो उसमें कुछ पार्ट्स लगते हैं या फिर जो इंजन ऑयल चेंज होता है, इंजन ऑयल पे भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अब इसमें दोस्तों एक प्रॉफिट और होता है, जो इंश्योरेंस होता है, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो भी आपको कुछ कमीशन देती हैं। ठीक है, उसमें भी आपको 10 से 12% का कमीशन मिल जाता है, और साथ ही दोस्तों एक कमीशन ऑल मिलता है जो लोग फाइनेंस कराना चाहते हैं, भाई जो फाइनेंस कराते हैं तो फाइनेंस कराने में भी आपको 1 से 2% का कमीशन वो कंपनी दे देती है। तो मतलब देखा जाए दोस्तों तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप इसमें अर्न कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए के अप्रॉक्स है, इससे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर दोस्तों आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया तो आपको ये आगे समझ में आएगा कि मैं इस बिजनेस को और ग्रो कर सकता हूँ,
और उसी को आप रोटेशन करते रहिए और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे लोग इसके बारे में जान सके कि आप बाइक की किसी भी बाइक का सब डीलरशिप बहुत ही आराम से ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। 12 से 15 लाख रुपए में आप एक बाइक का शोरूम ओपन कर सकते हैं और बाइक रीसेलिंग का बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।